हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी अनबॉक्सिंग, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी यूट्यूबर के पास होना शूट करने के लिए, बिकॉज ये बहुत हैंडी होती है। हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, पैकेज ऑलरेडी आ चुका है, पैकेज यहाँ पे है। अब करते हैं इसका काम तमाम। और अनबॉक्सिंग के लिए हमारे पास एक बहुत ही सुंदर नाइफ है, जिसको सब लोग जानते हैं। नाम नहीं लूंगा मैं, बट देख के आप लोग पहचान जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। खोल के टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है हमने, और अनफॉर्चुनेटली ये खुला हुआ है, बट देखते हैं अंदर कंटेंट्स क्या है। दैट वाज़ द पैकिंग। दिस इज व्हाट हेल्प्स यू होल्ड योर कैमरा। सो ये आपका कैमरा ट्राइपॉड है, ये आया प्लास्टिक बाहर और ये गया प्लास्टिक आउट ऑफ द फ्रेम। सो दिस इज व्हाट इट इज। इसको एक्सपैंड करके देखते हैं, बहुत बड़े तरीके से खुल जाता है। जिस एंगल में चाहें उस एंगल में आप इसको चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। नीचे स्क्रू दिया हुआ है जो बेसिकली फिट हो जाएगा आपके कैमरा के अंदर, एंड इट बिकम्स रियली हैंडी टू होल्ड योर कैमरा द वे यू वांट इट। आप कहीं फिक्स करना चाहते हैं फिक्स कर सकते हैं, टेढ़ा करना चाहते हैं टेढ़ा कर सकते हैं। मेरा नाम आशीष है तो हम उससे आशीष लिखने की कोशिश भी कर सकते हैं। सो लाइक आई सी आई क्रिएटेड अ ए। Anyways, so looks pretty good. I'll try to show you some close-up of the product. Shayad aapko achha lagega wo. Let's see. आप सब लोग जानते हैं कि कैमरास हर घर में होता है आजकल। सब लोग जोश जोश में जाके DSLR खरीद लेते हैं, बट उस DSLR का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे भी साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। मेरे पास एक अच्छा सा DSLR है, जो एक सुंदर से बैग के अंदर पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों से, और काफ़ी इंस्पायर हो गया मैं इस लॉकडाउन के दौरान। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम एक चैनल शुरू करते हैं और चीज़ों को उसमें दिखाना शुरू करते हैं, बात करना शुरू करते हैं, और देखते हैं कि ये गाड़ी कहाँ तक आगे बढ़ती है। सो ये मेरा कैमरा है, जिसके लिए मैंने बेसिकली ये ट्राइपॉड मंगाया है, अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। अभी हम इसको फिक्स करेंगे। ये आपका पॉइंट है जहाँ पर आपको इसको गो हेड करके स्क्रू करना होगा। यहाँ पर इसका स्क्रू दिया हुआ है, जो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली विजिबल है आप लोगों को, अगर ये ठीक से फोकस कर रहा है तो। आई होप सो। सो लेट्स गो अहेड एंड डू इट। इट्स अ वेरी सिंपल DIY। और हमारा कट चुका है। सो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें एक मोटा स्क्रू दिया हुआ है। कुछ कैमरों का जो नीचे स्क्रू होल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, मेरे कैमरे का छोटा है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे अपन, इसको घुमा के अनस्क्रू करेंगे, तो इसका जो छोटा वाला पार्ट है वो रिवील हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसको फिर आप लेके यहाँ पर फिक्स करके स्क्रू करने की कोशिश करें। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस कि ये हो जाए, मिशन सक्सेसफुल, नहीं तो हमें प्रोडक्ट वापस करना पड़ेगा। देखते हैं, कोशिश के ही आगे सब कुछ होता है। सो लेट्स सी How does it work? So there you go. ये हमने इसको फिक्स कर लिया। ओहो, इसका हार निकालना पड़ेगा, बट निकाल देंगे उसको। बट आप अगर देखें तो ये हमारा औजार रेडी हो गया है। अब हम इसको पकड़ के व्लॉगर बन सकते हैं, ऐसी हमें फीलिंग आ रही है।
अब व्लॉगर कैसे बनेंगे वो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो लुक आना चाहिए व्लॉगर वाला। आप व्लॉग कर रहे हैं, कैमरा मेरा है निकॉन D5300। सो एट द एंड ऑफ द डे प्रिटी सॉलिड प्रोडक्ट, देखते हैं कि होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता है ठीक से। इसका एंगल आप चेंज कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे। सो ये प्रोडक्ट की रिव्यू करनी हो या प्रोडक्ट अनपैकेजिंग करनी हो, उन सब चीज़ों के लिए इसका एंगल वेंगल आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये इसके कान हमने खोल दिए हैं और कैमरा ऑन भी कर दिया है, इसको यहाँ से अनलॉक कर दिया है। एंड देयर यू गो, नाउ वी आर परफेक्टली इन पिक्चर इन PIP मोड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हम अपने फ़ोन से भी कैमरा शूट वीडियो शूट कर लेते हैं। थोड़ी बहुत गलतियों के लिए माफ़ कीजिएगा, टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं ये काम। देखिए आगे करियर में तब्दील होता है कि नहीं होता है। वॉट यू गॉट टू सी इज द फंक्शनैलिटी। नाउ यू सी इट्स कम्प्लीटली फंक्शनल। लेट मी सी इफ आई कैन जूम इन टू इट एंड से हेलो कर नहीं रहा ये क्यों? ये नाउ अभी अभी कर रहा। अरे अरे वो एक नंबर काम बन गया है। और ये देखिए हमारा सेटअप रेडी है और हमारा एंगल थोड़ा सा हिल गया है। अभी एंगल वेंगल हमको समझ में आता नहीं है। सो दिस इज हाउ हम लोग दिखेंगे शूट करते हुए, टिंग टोंग। और जब हमको अपने आप को शूट करना होगा तो हम इसको ऐसे शूट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि शूट करते वक्त हमें उधर नहीं देखना है, हमें कैमरे में देखना है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी आदत डालनी पड़ती है। आदत के बिना कुछ नहीं होता है और हमें अपना थोड़ा देखने का बहुत इंटरेस्ट होता है। तो हमारी आँखें बार बार उधर जाती हैं जो वहाँ पे LCD स्क्रीन है, बट वो फ्रेम जज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, रीजन बींग दैट आपको ये वेट उठाना है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे बाकी यूट्यूबर भाइयों को कितना टफ लगता होगा इस चीज़ को करना। और कंटिन्यूसली होल्ड करते रहना, दिन भर एंगल्स पर बदलते रहना, चीज़ों को देखते रहना, शूट करते रहना, कंटेंट डेवलप करते रहना। सो इट्स अ टफ टास्क दैट दीज गाइज डू एंड आई होप आई डू जस्टिस टू इट। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सपोर्ट इन डूइंग थिंग्स। ऑल राइट गाइज, सो दिस वॉज अ क्विक ब्यूटिफुल शॉर्ट एंड स्वीट रिव्यू ऑफ द प्रोडक्ट दैट आई रिसेंटली ऑर्डर्ड फ्रॉम अमेजोन। लुक्स प्रिटी ओके टू मी। देयर यू गो। तो अब सोच रहे हैं कि इसको निकाल दें क्या, इसको इसको निकाल देना चाहिए क्या बोलते हो, कि इसको भी रहने दें। बट इट्स अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस इज व्हाट आई सी।